हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ट्रैवल बैग। तो इसके लिए हम प्लास्टिक बोरी का यूज़ करेंगे और पुरानी बेडशीट का। इस तरह से हमारी पुरानी बेडशीट का यूज भी हो जाएगा। और ये लाइनिंग के लिए साड़ी ले लिया है हमने और इनको क्विल्ट करके पीसेस में कट कर लिया है। इस तरह से देखिए, ये हमारा लंबाई में है 31 इंच। और चौड़ाई में है 17 इंच। और एक पीस लिया है हमने 17 इंच लंबा, लंबाई में हमारा 17 इंच है और चौड़ाई में 10 इंच है। हमने दो पीस लिया है 10 इंच लंबाई में है, चौड़ाई में है 6.5 इंच। 6.5 इंच है इस, और ये दो पीस में है। इसमें है और ये हमारा फ्रंट पॉकेट बनेगा। ये चौड़ाई में है 6.5 इंच और लंबाई में है 8 इंच। अब हम दो पीस लिए हैं 10 इंच लंबाई, चौड़ाई में भी 10 इंच है। इसका हम साइड पॉकेट बनाएंगे। दो पीस लिए हैं इसे भी। अब ये हैंडल बनाने के लिए हमने लिया है लंबाई में 35 इंच और 3 इंच चौड़ी है। तो रेडीमेड भी यूज कर सकते हैं। हम पुराने बेडशीट से बना रहे हैं तो इसलिए हम इसी का बना दे रहे हैं। हम कट कर लेते हैं जीप को। तो इसके लिए लंबाई है एक पीस का हमारा 38.5 इंच। तो 38.5 इंच का एक कट कर ले रहे हैं। और ये पीस हमारा 10 इंच, तो इसे भी कट कर लेंगे। और एक और 10 इंच का लेंगे। दो हमारा 10 इंच का रहेगा और एक 8 इंच का जीप रहेगा। तो ये हमने लिया है 6.5 इंच चौड़ाई में और 10 इंच लंबाई में है। तो इसको हम कपड़े के ऊपर जीप को उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। और दूसरी वाली पीस भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और जो हमारा पीस 6.5x8 का था उसके ऊपर भी हम इस तरह से यहाँ से रख कर यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। और ये लेंगे हम हैंडल को और इस तरह से दोनों तरफ से मोड़ते हुए कपड़े में सिलाई लगा लेंगे। दूसरे वाले पीस को भी इसी तरह से हम बना लेंगे। ये हमारा सिलाई लग के तैयार हो गया है। इस पर हम बैठी हुई सिलाई भी लगा लेंगे। इस तरह से हमने लगा करके तैयार कर लिया है तीनों पीस में सिलाई लगा करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें रनर डाल लेंगे तीनों पीस में इस तरह से। हमने रनर को इस तरह से डाल दिया है और एक्स्ट्रा जिप की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम इन दोनों पीस में भी इस तरह से रनर डाल देंगे। अब हम तीनों में रनर डाल कर तैयार कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक 10 इंच लंबाई और चौड़ाई वाला पीस और जो हमारा 6.5 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबाई में पीस है उसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम।
और पैकेट तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारा पैकेट तैयार हो गया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा दोनों पॉकेट तैयार हो गया है। अब हम 31 इंच लंबा और 17 इंच चौड़ा वाला पीस लेंगे और 10 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क को सीधा करेंगे। यहाँ हम फ्रंट पॉकेट लगाएंगे अपना, बैक पे हम पॉकेट नहीं लगा रहे हैं। यहाँ से सेंटर में मार्क कर लेते हैं। इस तरह से ये 8 इंच लंबाई और 6.5 इंच चौड़ाई वाला पीस है, इसको भी हम इस तरह से चक लगाकर मार्क कर लेंगे और इस तरह से रख करके इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसको इस तरह से पलट देंगे और इसके ऊपर इस वाले हैंडल को रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लिया है और हमारा पॉकेट तैयार हो गया है। अब यहाँ से लेंगे हम 10 इंच, इधर भी 10 इंच, यहाँ से लेंगे हम 4 इंच, यहाँ से लेंगे 3.5 इंच, यहीं तक हैंडल पर सिलाई लगाएंगे। इधर से भी 4 इंच मार्क को सीधा कर लेंगे। मार्क को सीधा कर लेते हैं और दूसरी साइड भी 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और इधर से 4 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ भी 4 इंच पर मार्क करके हम लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम अपना हैंडल लगाएंगे। इस तरह से यहाँ से लेकर इस तरह से मुड़ते हुए इस मार्क के पास तक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। इस तरह से अब हम लेंगे 17 इंच लंबा और 10 इंच चौड़े वाले पीस को और 1 इंच पर मार्क करेंगे बड़े वाले पीस के ऊपर रखते हुए और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, 1 इंच खुला रख देंगे और हम इस तरह से पॉकेट वाले पीस को लेंगे और ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने घुमाते हुए सिलाई लगा लिया है। एक तरफ का हमने साइड पॉकेट लगा लिया है। अब हम दूसरी साइड को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से चैन को हम ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे और पॉकेट तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों ओर का साइड पॉकेट लगा करके तैयार कर दिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे। ये हमारा बैग सीधा हो गया है। कितने अच्छे से हमारा ये पॉकेट बन गया है। अब हम 38 इंच वाला जेब को अलग करेंगे और इसमें
नीचे वाले पार्ट में रखते हुए, जिप को उल्टा रखते हुए सिलाई इस तरह से घुमाते हुए यहाँ से जो हमने एक इंच का अधिक रखा था वहाँ से आधे इंच अधिक रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा लिया है, आधा इंच एक्स्ट्रा तक लगाएंगे हम। और यहाँ से इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए और इधर सीधी तरफ से सिलाई लगा लेंगे हम, जिससे हमारा जीप अंदर की तरफ बढ़ जाएगा। इसे हम बैठी हुई सिलाई कहते हैं। और हम जीप का दूसरा पार्ट लेंगे और इस तरह से घुमाते हुए हम जीप को लगा लेंगे। जहाँ हमने एक इंच कपड़ा छोड़ा था वहाँ तक आधा इंच एक्स्ट्रा ही सिलाई करेंगे। अब हमने जीप को लगा लिया है, अब हम इसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। इसे हम बैठी हुई सिलाई कहते हैं। टॉप स्टिच लगा लेंगे हम जहाँ तक हमने जीप को लगाया है। ये हमने टॉप स्टिच लगा कर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें रनर डालेंगे, यहाँ से धागे वगैरह कट कर लेते हैं। अब हम इसमें रनर डालेंगे, इस तरह से हमने रनर को बैग के अंदर डाल दिया है। इस तरह से हमारा बैग बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड से देखिए बहुत ही अच्छे साइज का ये बैग हमारा बनकर तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स हम चारों ओर से घुमा के दिखा देते हैं कितना अच्छा से बैग हमारा तैयार हो गया है। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे और बताने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।